इस क्वेश्चन में हमें 4 डिजिट नंबर जनरेट करना है, लेकिन वो इवन नंबर होने चाहिए। एक तो वो इवन भी होने चाहिए और दूसरा वो 4 डिजिट नंबर होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और भी मसला है। अच्छा, इवन कैसे आएगा? जब लास्ट में आपके पास 0 होगा, लास्ट में 2 होगा या लास्ट में 6 होगा, ये 3 नंबर्स होंगे वो अगर आपके पास लास्ट डिजिट पर है तो ये इवन नंबर जनरेट करेंगे। और 0 को साथ ही साथ 0 के साथ ये भी मसला है कि 0 पहली पोजीशन पर नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर पहली पोजीशन पर 0 आएगा, अगर ये मैं 4 डिजिट नंबर आपको जनरेट करके बताऊँ, पहली पोजीशन पर अगर आपके पास पहली पोजीशन पर 0 आया तो ये 4 डिजिट नंबर जनरेट नहीं करता, तो इसलिए जो है ये पहली पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता। इसके अलावा तमाम पोजीशन पर आ सकता है 0, तो पहली पोजीशन पे हम 5 रख देते हैं अभी फिलहाल, तो ये इस तरह से 4 डिजिट नंबर जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट डिजिट पे आपके पास या तो लास्ट डिजिट पे आपके पास या तो 2 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है आपके पास, या फिर 0 आ सकता है। इस तरह से लास्ट डिजिट पे ये 3 नंबर आ सकते हैं आपके पास, तो लास्ट डिजिट पे आपकी 3 नंबर की चॉइस है। अच्छा, अब इसको करना है इस तरह से कि हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। 0 जो है इस तरह से मसला करेगा, जैसे फर्स्ट कर लिया हम सॉल्व कर रहे हैं, 0 इस तरह से मसला करेगा कि अगर 0 यहाँ पर प्लेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास फिर पहली पोजीशन पे कितने नंबर प्लेस हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर्स जो आपके पास प्लेस हो सकते हैं 0 अगर आपके पास वहाँ पर आ जाता है। लेकिन अगर 0 नहीं आता यहाँ पर, लेकिन अगर 0 प्लेस नहीं हुआ यहाँ पे आपके पास 2 प्लेस हुआ, तो अब यहाँ पे कितने नंबर प्लेस हो सकते हैं? तो 5 के बजाय आप यहाँ पर 4 प्लेस हो सकते हैं, क्योंकि 0 तो यहाँ प्लेस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पे प्लेस हुआ है, ये 2 जो यहाँ पे प्लेस हुआ है, तो अब आपके पास कितने बज गए? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन 5 पोजीशन डिजिट में जो ना आपके पास एक 0 भी है, तो 0 तो हम यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, इसलिए 0 जो ना ये मसला करता है यहाँ पर। इसलिए हम इसको क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में करेंगे। एक तो ये पार्ट कर लेते हैं लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट विद 0, ठीक है? अगर 0 लास्ट डिजिट है तो लास्ट डिजिट पे आपके पास कितने नंबर्स की चॉइस हो गई है? कितने नंबर्स की चॉइस हो गई आपके पास लास्ट डिजिट? सिर्फ 0, एक ही नंबर की चॉइस है, वो आप कौन सा नंबर प्लेस कर सकते हैं? वो 0 प्लेस कर सकते हैं, लास्ट डिजिट पे आप 0 ही प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अब 0 तो लास्ट डिजिट पे प्लेस हुआ है, तो आपके पास कितने रह गए यहाँ पे? 5 नंबर्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, टोटल 6 थे, 5 नंबर यहाँ प्लेस कर सकते हैं, फिर 4 यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, फिर 3 यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास 60 आंसर है। अब एक ये कर लेते हैं, डिजिट इज लास्ट डिजिट, डिजिट जो है 0 नहीं हो सकता, तो वो तो अलग से हमने सॉल्व कर लिया, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो लास्ट डिजिट जो है हमारे पास 0 नहीं हो सकता, तो इसको कर लेते हैं हम। अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 0 नहीं है तो फिर कौन सा हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है हमारे पास। तो ये 2 नंबर्स की चॉइस है हमारे पास, क्योंकि इवन नंबर जनरेट करना है, लास्ट डिजिट इवन नंबर जो है 0 रखने से बन जाता है, और इसी तरह लास्ट डिजिट इवन जो है वो आपके पास 2 रखने से बनेगा और 6 रखने से बनेगा। तो 2 और 6 ये 2 नंबर है, तो 2 नंबर की चॉइसेस है हमारे पास, चॉइस यहाँ नंबर ऑफ चॉइस यहाँ लिखते हैं आप लोग जब इस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ चॉइस लिखते हैं। अच्छा, फिर पहली पोजीशन पे आप कितने नंबर्स रख सकते हैं? टू और 6 में से कोई एक तो यहाँ प्लेस हो जाएगा, तब आपके पास कितने बचते हैं? 5 बचते हैं आपके पास, लेकिन 5 में जो है ना एक 0 भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे 5 नंबर्स की तो चॉइस नहीं है आपके पास, यहाँ पे 4 नंबर्स की चॉइस है, क्योंकि आप 0 तो नहीं रख सकते। तो अब जब आप यहाँ पे कोई एक नंबर प्लेस कर देंगे, तो अब एक यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, एक यहाँ नंबर प्लेस हो गया, तो टोटल 2 नंबर्स जो है वो आपके पास प्लेस हो चुके हैं। अब 0 जो है ना यहाँ सेंटर में कहीं पे भी आ सकता है, 0 का अब मसला नहीं है। तो टोटल 2 नंबर्स आपने प्लेस कर दिए, तो अब कितने बच जाएंगे आपके पास? 6 नंबर्स है टोटल, इसमें से 2 प्लेस कर दिया आपने, तो अब आपके पास 4 नंबर्स बच रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर प्लेस कर देंगे। अब आपने टोटल 3 प्लेस कर दिए, तो अब आपके पास 6 में से 3 नंबर्स बच रहे हैं, तो इसको फिर हम आंसर निकाल लेते हैं जी। तो ये आ रहा है आपके पास 96। तो इस तरह आपके पास जो इवन 4 डिजिट नंबर्स जनरेट हो रहे हैं ना, वो टोटल आपके पास 60
प्लस 96 आपके पास टोटल होंगे 156, टोटल 156 नंबर्स जो आपके पास जनरेट हो रहे हैं।